तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चांद पवनीकर और आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी कार एक्सेसरी। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो चाबी है आपकी वो कैसी गाड़ी में एक्टिवेट कर सकते हैं। पहले जो निप्पॉन का जो सेंटर लॉक आता था उसमें जो आपका रिमोट जो है गाड़ी में कैसे एक्टिवेट कर सकते थे। तो अभी की गाड़ियों में आपको HDT के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है, बट पहले पुरानी जो गाड़ियों में कोडिंग रहती थी वो कोडिंग के हिसाब से करना पड़ता था। तो आज की वीडियो में मैं आपको उसकी कोडिंग बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके से कोडिंग किया हो और क्या किया हो और कौन कौन सी चीज़ें उसमें ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले आपके जो तीनों साइड के जो दरवाजे प्रॉपर तरीके से लगने को होना, तो ये हमारे आप देख सकते हैं दोनों प्रॉपर तरीके से अभी लगे गए। तो अभी उधर के देख लेंगे हम लोग। ये भी प्रॉपर तरीके से लग गया है। तो और ड्राइवर साइड का जो डोर है आपको ओपन ही रखना है। और ये जो चाबी है आपकी, तो इसमें आपको यहाँ पर डाल के इसे तीन बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना है, चाबी बाहर निकलेंगी। तीन बार जो ये डोर स्विच है इसे दबाना है, तीन बार दबाने के बाद में इग्निशन ऑन करके ऑफ करके बाहर निकलना है। फिर ये जो डोर है ये हमारा लॉक अनलॉक होगा। लॉक अनलॉक हो जाने के बाद में आपको सिंपली रिमोट से लॉक के बटन दबा देना है, तो आपका इसमें रिमोट एक्टिवेट हो जाएंगे। हमारा ऑलरेडी रिमोट एक्टिवेट है। ये आपके लिए मैंने एक पर्सनली वीडियो बनाकर बताया कि पुराने गाड़ियों में जो कैसी रिमोट एक्टिवेट होता था। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। इग्निशन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो तीन बार हो गया, एक दो तीन, एक दो। ये डोर देखिए लॉक हो गया। वो लॉक हो जाने के बाद मैंने ये वाले जो बटन है दबा दिया। आपको वापस एक बार और दिखा देता हूँ ये प्रोग्राम। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो। ये अभी मैंने दिखा डोर लॉक अनलॉक हुआ। तो इसी तरीके से हमारा रिमोट एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी आपको लॉक करके भी दिखा देता हूँ। देखिए सायरन बजा, गाड़ी लॉक हो। ये अभी मैं अनलॉक कर रहा हूँ, तो ये अनलॉक हो। तो पुरानी जो गाड़ियों में जो निप्पॉन का जो सेंटर लॉक लगा हुआ आता था उसका रिमोट इसी तरीके से एक्टिवेट होता था। तो आप भी रिमोट एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मारुति की अगर पुरानी गाड़ी है जिसमें निप्पॉन का सेंटर लॉक लगा हुआ आता है कंपनी फिटेड, तो अभी उसके आपके वो प्रोग्रामिंग मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया। तो आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। तो मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय दोस्तों।